बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चार मांगों को रख दिया है, और अगर ये चारों शर्तें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर नहीं मानते हैं तो फिर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की तरफ भी जा सकते हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार अभी दिल्ली में ही रहेंगे जब तक सरकार का गठन नहीं हो जाता, और जब तक बीजेपी उनकी चारों शर्तें मान नहीं लेती है। ये चारों शर्तें आखिर क्या है वो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, लेकिन आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी केसी त्यागी का भी बयान आ गया है। हम पहले आपको वो सुनाने जा रहे हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अब इस पर बीजेपी नेताओं का भी बयान आना शुरू हो चुका है, और सम्राट चौधरी के बयान ने बिहार की राजनीति समेत पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। और इसी के साथ तेजस्वी यादव के साथ साथ सम्राट चौधरी का भी सपना टूटकर चकनाचूर हो चुका है। हम आगे आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर सम्राट चौधरी को कैसे झटका लगा है, सम्राट चौधरी ने ऐसा क्या बयान दे दिया है। लेकिन उससे पहले आप जदयू नेता और नीतीश कुमार के करीबी केसी त्यागी का ये बयान सुनिए। सर, अग्निवीर के रिव्यू को लेकर आपने मांग करी है, अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। जातिगत जनगणना होगी? जातिगत जनगणना को देश की किसी पार्टी ने मना नहीं किया है। बिहार ने रास्ता दिखाया है, प्रधानमंत्री ने भी ऑल पार्टी डेलीगेशन में इसका विरोध नहीं किया है, इसलिए जातिगत जनगणना समय की मांग है और हम इसको परसों करेंगे। कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए ये हमारे दिल और दिमाग में है। बंटवारे के बाद बिहार की जो दुर्गति हुई है, जो पलायन हुआ है, जो बेरोजगारी है, जब तक उसको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं होगा ये असमानता दूर नहीं होगी। सर, अग्निवीर योजना को हटाने की बात करेंगे क्या? अमेंडमेंट की बात करेंगे या हटाने की बात करेंगे? अग्निवीर योजना नहीं, उसकी बातचीत होनी चाहिए। त्यागी जी, आप लोग अग्निवीर योजना की विरोध करते रहे हैं पहले जब इंडिया, हम सजेशन दे नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अब आप सबसे पहले सम्राट चौधरी का वो बयान सुन लीजिए, जिस बयान को सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सम्राट चौधरी का भी सीएम बनने का सपना टूटकर चकनाचूर हो चुका है, और जिस बात के लिए उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक नीतीश कुमार को सीएम की गद्दी पर से नहीं उतार देंगे तब तक अपनी पगड़ी नहीं खोलेंगे, अब ऐसा लग रहा है कि सम्राट चौधरी को ताजिंदगी अपनी पगड़ी पहननी पड़ेगी। हम आगे आपको जेपी नड्डा का भी बयान आ गया है, और जेपी नड्डा का बयान काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और उनके बयान के बाद ये अब कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से बाहर भी निकल सकते हैं। अब आप सबसे पहले सम्राट चौधरी का ये बयान सुन लीजिए। देखिए, ये चुनाव प्रबंधन में जो लोग थे जिनके नेतृत्व में बिहार को 75% मार्क्स मिला, और देखिए जो लोग परसेप्शन बना रहे थे, पहले 6 फेज में हमको 28 सीट आ रही थी, लोग परसेप्शन बना रहे थे। ये चुनाव प्रबंधन का जो हमारा बिहार का टीम था, इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े और 75% मार्क्स बिहार की जनता ने एनडीए को, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व। देखिए, हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, जिस सीटों पर हम चुनाव हारे हैं सभी जगह समीक्षा कर रहे हैं। हम इससे और अच्छा बेहतर कर सकते थे, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि हम 39 और 40 जीतेंगे, लेकिन हम 25% सीट हारे। हम इसकी पूरी समीक्षा कर रहे हैं। जेडीयू ने कहा कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव में जाएगी। अरे, तो इसमें दिक्कत क्या है? नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में 1996 से भारतीय जनता पार्टी,
आगे भी रहेगी। विशेष राज्य के दर्जे की मांग फिर से की जा रही है। आपने सम्राट चौधरी का बयान सुन लिया होगा और सम्राट चौधरी ने साफ साफ कह दिया है कि अब बिहार में अगला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही भाजपा लड़ेगी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की तरफ से किन किन शर्तों को रखा गया है और वे ऐसी क्या शर्तें हैं जिन्हें मानना बीजेपी के लिए असंभव सा दिख रहा है। तो सबसे पहली शर्त है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। दूसरा शर्त है यूसीसी पर विचार करने की मांग यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि बीजेपी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और यूसीसी को बीजेपी लागू करना चाहती है लेकिन अब इसमें अरंगा लगाना जेडीयू ने शुरू कर दिया है। वहीं तीसरी मांग है अग्निवीर योजना की समीक्षा यानी कि अग्निवीर योजना को वापस लेना और इसी के साथ साथ चौथी जो मांग है वो काफी अहम मानी जा रही है और आपको बताते चले कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के तरफ से मोदी सरकार में चार मंत्रालय की भी मांग की गई है और इसमें पहला जो मंत्रालय है वह उड्डयन मंत्रालय है यानी कि एविएशन डिपार्टमेंट, दूसरा जो मंत्रालय है रक्षा मंत्रालय है, तीसरा जो मंत्रालय है रेल मंत्रालय है और चौथा मंत्रालय है टेली कम्युनिकेशन यानी कि संचार मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। और ये चारों मंत्रालय जो है इसमें से बीजेपी एक भी मंत्रालय सहयोगी दल को नहीं देना चाहती क्योंकि चारों मंत्रालय काफी अहम है और अब इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी बड़ा बयान सामने आ गया है और जेपी नड्डा ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि हम सभी सहयोगी दलों को लेकर के चलना चाहते हैं लेकिन किसी की भी अनावश्यक मांगों को हम नहीं मानेंगे यानी कि उन्होंने ब्लैकमेल होने से साफ साफ इनकार कर दिया। और इसी के साथ जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि अगर आप नीतीश कुमार की बात नहीं मानते हैं, अगर आप चंद्रबाबू नायडू की बात नहीं मानते हैं और ये दल अगर आपसे अगर समर्थन वापस ले लेते हैं उस स्थिति में मोदी सरकार गिर जाएगी, इस पर जेपी नड्डा का बहुत बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि दरअसल छोटे छोटे दलों के वे संपर्क में हैं, काफी सारे सांसदों के वे संपर्क में हैं और आने वाले दिनों में बहुत सारे छोटे छोटे दल एनडीए में शामिल हो सकते हैं। और इसी के साथ एक बहुत बड़ी खबर और आ रही है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव बाहर से मोदी सरकार को समर्थन दे सकते हैं। वहीं आपको बताते चले कि अभी तक जो चुनाव का जो परिणाम आया है उसमें यूपी में समाजवादी पार्टी ने बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस दिया है और इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनकर अभी तक काम कर रही है। हालांकि अमित शाह लगातार प्रयास में लगे हुए हैं कि जो भी छोटे दल है और अखिलेश यादव को किसी भी तरीके से मना लिया जाए और अखिलेश यादव अगर मान जाते हैं तो उनके पास 36 सांसद हैं और अगर 36 सांसद अगर बीजेपी को अगर सपोर्ट अगर कर देते हैं तो फिर किसी भी दूसरे दल के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एनडीए के पास ऑलरेडी 240 के लगभग सांसद हैं और अगर 36 सांसद अगर अखिलेश यादव की पार्टी के अगर आ जाते हैं इसका मतलब ये आंकड़ा बढ़ करके 276 हो जाएगा। फिर नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू की इन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे नीतीश कुमार की जो चारों मांगे हैं ये चारों में से कोई भी मांग मानने पर बीजेपी विचार तक नहीं कर रही है क्योंकि अग्निवीर योजना को मोदी सरकार किसी भी कीमत पर वापस नहीं लेना चाहती। वहीं बिहार को विशेष राज्य का जो दर्जा देने की मांग है इस पर भी मोदी सरकार कोई विचार तक नहीं करना चाहती और इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा कि अगर बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा अगर दे दिया जाता है तो केंद्र सरकार पर लाखों करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा और इसी के साथ कई सारे राज्य जैसे कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा समेत कई सारे राज्य और विशेष राज्य का दर्जा मांगने लगेंगे और उसके बाद केंद्र सरकार की परेशानी बढ़ जाएगी। वहीं आपको बताते चले कि अब ऐसा लग रहा है कि जैसे नीतीश कुमार को एक बार फिर से नाराजगी झेलनी पड़ेगी और नीतीश कुमार की नाराजगी बीजेपी के लिए महंगी भी साबित हो सकती है। वैसे अमित शाह जो कि राजनीति के वर्तमान राजनीति के
चाणक्य कहे जाते हैं वे लगातार छोटे छोटे दलों के संपर्क में हैं। और आज सुबह ही हमने आपको बताया था कि अगर एक बार मोदी प्रधानमंत्री अगर बन जाते हैं तो इंडिया गठबंधन ठीक उसी तरीके से बिखर जाएगा जिसके बाद जैसे कि शीशा टूटने के बाद बिखर जाता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के कई सारे सहयोगी दल इस आस में है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने का प्रयास करेगा, लेकिन इंडिया गठबंधन के प्रमुख सहयोगी दल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे के बयान के बाद कि हम सरकार बनाने पर विचार नहीं कर रहे हैं, इसके बाद इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दल निराश हो चुके हैं। अब देखना बाकी होगा कि बीजेपी का अगला कदम क्या होता है, नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होता है। वैसे आपको बताते चले कि बहुत सारे लोग ये भी कहने चले आते हैं कि नीतीश कुमार नहीं पलटेंगे, उनको बताते चले कि आपके गुरुदेव आप जिसके लिए पागल है, जिसके अंधभक्ति में पागल है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नीतीश कुमार की गारंटी नहीं ले सकते, फिर आप कैसे गारंटी लेते हैं वो तो आप ही जाने। वैसे सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।